किसी को अगर शक है योगी के तेवर बदल गए हैं तो उनको आज योगी को देखने की जरूरत है। योगी के ना तेवर बदले हैं ना योगी का कमिटमेंट बदला है। इस रिपोर्ट से पूरा ट्रेलर देख लीजिए। यूपी में अब आगे क्या होने वाला है, योगी क्या करने वाले हैं, सब समझ में आ जाएगा। कतई नहीं, मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी। फिर आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटा कटनी 27 में सपा चट के लिए तैयारी रहेगी। अगर कोई सोचता है वो यूपी में बदतमीजी करेगा और बच जाएगा तो वो योगी को नहीं जानता। अगर कोई नेता सोचता है वो पाप करेगा, पार्टी की आड़ में बच जाएगा तो वो योगी को नहीं जानता। ना योगी के तेवर बदले हैं, ना संकल्प बदला है, ना अपराध पर आक्रोश कम हुआ है। यूपी में जो लाइन क्रॉस करेगा वो दोबारा किसी लाइन पर खड़ा नहीं हो पाएगा। योगी आदित्यनाथ इसलिए सत्ता में आए हैं, इसलिए ही कुर्सी पर बैठे हैं। योगी नौकरी करने नहीं नियत ठीक करने आए हैं। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पर इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। गोमती नगर में जैसे खिलवाड़ हुआ, जैसे लोगों को परेशान किया गया, महिला के साथ बदसलूकी हुई, उस पर सीधे यूपी के सीएम ने एक्शन लिया है। जिन्होंने सीमा लांघी उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा, जब भी बारिश होगी तो घर से निकलने पर डर लगेगा। जिन पुलिस वालों का कर्तव्य था इसको रोकना, उनको भी बख्शा नहीं गया है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है कि चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। इन हेडलाइंस ने अयोध्या को हिलाकर रख दिया। कैसे एक बच्ची की जिंदगी को नर्क बनाया गया, कैसे खादी का फायदा उठाने की कोशिश की गई। यूपी में आक्रोश है, मोहित खान पर समाजवादी पार्टी चुप है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी इसका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि सपा के लिए वोट बैंक पहले है, लेकिन योगी के लिए इंसाफ पहले है। जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है,
उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। अखिलेश यादव दिल्ली में बैठकर योगी को टारगेट कर रहे हैं, यूपी की क्राइम फाइल पढ़कर सुनाते हैं। योगी भी यूपी की क्राइम फाइल लेकर विधानसभा में आए, जो बातें अखिलेश छिपाते हैं उनको सबके सामने पढ़कर सुनाया। हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर एक इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है, 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है, 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है,